दोस्तों, ई श्रम कार्ड क्या है, कैसे बनेगा, क्या बेनिफिट है, यानी कि क्या फायदा आपको मिलेगा ई श्रम कार्ड बनवाने से। सबसे पहले जानेंगे ई श्रम कार्ड क्या है। ई श्रम कार्ड यानी कि मान लेते हैं आपका जॉब कार्ड होता है, सेम जॉब कार्ड ही बनता है ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड देखने में कुछ आधार कार्ड के जैसा बनता है। ई श्रम कार्ड अगर आपका एक बार बन जाए तो आपका दोबारा नहीं बनेगा, जैसे आधार कार्ड का नंबर एक बार बनने से दोबारा नहीं बनता है। बाकी आप करेक्शन या फिर चेंजेस कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड के द्वारा आपका परिचय किया जाता है कि आप कौन सा काम करते है या कौन सा काम में आप लगे हुए रहते हैं। आपका वर्क करने का, काम करने का परिचय ई श्रम कार्ड में रहेगा। साथ में आपका ई श्रम कार्ड के द्वारा आपका पूरा बायोडाटा अपडेट रहेगा। उसके साथ साथ ई श्रम कार्ड में आपका बैंक अकाउंट भी ऐड रहेगा, जो कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर यानी कि DBT कहा जाता है। आपका सरकारी कोई भी बेनिफिट आए तो डायरेक्ट उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपका बैंक अकाउंट जरूरी होता है। बात करेंगे बेनिफिट क्या मिलेगा या फिर ई श्रम कार्ड से क्या फैसिलिटी मिलेगा। ई श्रम कार्ड यानी कि जैसे कि आपका जॉब कार्ड होता है, जॉब कार्ड का कोई भी मनरेगा, नरेगा या फिर ऐसा कोई भी पैसा आता है तो जॉब कार्ड के द्वारा आता है। इसी तरीके से आपका ई श्रम कार्ड के द्वारा भी आपका कोई भी पैसा आएगा। साथ में ई श्रम कार्ड को बनवाने से आपका कोई भी आप काम करेंगे तो वो काम में आपका एक वैल्यू रहेगा। साथ में आपका जो भी जॉब का अमाउंट रहेगा, सैलरी बनता है, उसमें आपका कोई फायदा आएगा। अगर आप अपना व्यवसाय वाणिज्य छोड़ के दूसरा व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो ई श्रम कार्ड आपका काम आएगा। साथ में कहीं पे भी आपको जॉब में मिल जाएगा कि आप ये काम करते हैं। श्रम कार्ड के द्वारा सरकारी रिकॉर्ड में आपका अपडेट आ जाएगा। आपका वर्क, अपना आपका काम, जो भी काम करते हैं वो काम आपका सरकार में रिकॉर्ड हो जाता है। कोई भी बेनिफिट होता है तो आपको तुरंत आपका वर्क करने का, आपके काम के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा। सरकारी हो या प्राइवेट हो, किसी भी काम में आप जाते हैं जॉब के लिए तो सबसे पहले आपका ई श्रम कार्ड ही मांगा जाएगा कि आप किस काम में अंजाम देते हैं, क्या काम करते हैं, वो देख के आपका जॉब सिलेक्ट किया जाएगा। सरकारी स्कूल, कॉलेज, रास्ता घाट के कोई भी कंस्ट्रक्शन में आपको काम में लगाया जाएगा ई श्रम कार्ड को देखने के हिसाब से। सरकारी कोई भी बेनिफिट आता है, सरकारी कोई भी योजना आता है, सर्विस आता है या स्कीम आता है, सबसे पहले आपका ई श्रम कार्ड को चेक किया जाएगा। उसके बाद ही आपका अमाउंट सिलेक्ट किया जाएगा, आपका सैलरी या तो फिर आपका बेनिफिट जो भी है ई श्रम कार्ड के हिसाब से आपको दिया जाएगा। बात करेंगे ई श्रम कार्ड को कैसे बनवाएं। ई श्रम कार्ड को बनवाने के लिए आपको 16 साल से ऊपर और 59 साल से नीचे होना पड़ेगा। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक का जरूरत पड़ता है। अगर आप ई श्रम कार्ड को घर बैठे बनवाते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंकेड होना पड़ेगा, या तो फिर आपको अपने नजदीकी CSC सेंटर में जाके अपना फिंगर डाल के, आधार KYC डाल के अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। ई श्रम कार्ड आपको एक ही दिन में, एक ही घंटे में इंस्टेंट मिल जाएगा। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको कोई भी पे करना नहीं पड़ेगा। ई श्रम कार्ड को अगर आप ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं या फिर CSC के द्वारा बनवाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए एक मेरा अलग से वीडियो है, वो देख के जरूर बनाइए। दोस्तों, ई श्रम कार्ड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट करें और आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आज की जानकारी अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से जरूर करें मेरे भाई।